मुझे जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि बोले बिहार नाम से एक नया चैनल लॉन्च हुआ है बिहार के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि चैनल जहां समाज की आवश्यकताओं को अपने चैनल में स्थान देगा, वहां साथ साथ जो समाज में अच्छे काम हो रहे हैं उनको भी प्रदर्शित करके लोगों को अच्छे काम करने की प्रेरणा भी देता रहेगा। मेरी ओर से बोले बिहार चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके लिए सभी बोले बिहार के दर्शकों को आने वाले नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और आने वाले दिनों में बोले बिहार इसी प्रकार से आगे अपने नाम को और भी आगे बढ़ाए और जो भी खबरें हैं उसको निष्ठा के साथ और सच्चाई के साथ जिस प्रकार से अभी तक दिखाते आए हैं, आगे भी इस प्रकार से अपनी न्यूज़ को दिखाएं। और दबे हुए लोग और जिनकी ज़रूरतें हैं जो मीडिया तक नहीं पहुंच पाते हैं, मुझे विश्वास है कि बोले बिहार उन तक भी पहुंचेगी और उनके भी समस्या और उनके समाचार को अपने दर्शकों तक दिखाने का काम करेगी। और आने वाला नए वर्ष सभी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। हर हर महादेव। रंजीत सम्राट, आप देख रहे हैं बोले बिहार। जी हाँ, हमारे साथ हैं टीम अभिमन्यु के संरक्षक अभिमन्यु जी। जी हाँ, जो बिहार में नए साल के अंदाज को लेकर नए अंदाज में और बोले बिहार के ओपनिंग पर, बोले बिहार के शुभारंभ पर क्या संदेश देना चाहेंगे टीम अभिमन्यु के संरक्षक अभिमन्यु जी? आज बोले बिहार का लॉन्चिंग हुआ है, इसके लिए सभी बोले बिहार के दर्शकों को आने वाले नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आने वाले दिनों में बोले बिहार इसी प्रकार से आगे अपने नाम को और भी आगे बढ़ाए और जो भी खबरें हैं उसको निष्ठा के साथ और सच्चाई के साथ जिस प्रकार से अभी तक दिखाते आए हैं, आगे भी इस प्रकार से अपनी न्यूज़ को दिखाएं। और दबे हुए लोग और जिनकी ज़रूरतें हैं जो मीडिया तक नहीं पहुँच पाते हैं, मुझे विश्वास है कि बोले बिहार उन तक भी पहुँचेगी और उनके भी समस्या और उनके समाचार को अपने दर्शकों तक दिखाने का काम करेगी। और आने वाला नए वर्ष सभी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। हर हर महादेव। अच्छे
टीम अभिमन्यु के संरक्षक अभिमन्यु जी, इनका कहना है नए साल में नए जश्न के साथ बिहार में गरीब गुरुओं के भला करते हुए बोले बिहार आगे बढ़े। बिल्कुल इनके कथनानुसार बोले बिहार तमाम गरीब निसहायों की आवाज़ बनकर आगे आएगी। पुराने साल की विदाई और नए साल के जश्न को लेकर शिकागो पिज्जा ने एक अलग ही व्यवस्था की है। आपने अभी यहाँ उद्घाटन किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार वासियों को? बोले बिहार में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले हमारे बिहार में सिर्फ समोसा और जलेबी मिला करता था। आज के डेट में हमारे नौजवान जिस प्रकार से अपने राज्य को और अपने सिटी को जिस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। अपने काम को किस लेवल पे ले जाते हैं, किस व्यवस्था में आप लोगों के बीच में रखते हैं, ये बड़ा बात है। पिज़्ज़ा तो हर लोग खाते हैं, डोमिनोज़ का, पिज़्ज़ा हट का, लेकिन शिकागो पिज़्ज़ा का जो स्लाइस जो होता है, जितना उसका हम लोग देखते हैं कि उसका स्लाइस इतना पतला होता है कि लोग उसको क्रंची वेव में भी उसको यूज़ करते हैं, तो हर तरीके का इस शिकागो पिज़्ज़ा में जिस प्रकार से हम लोग को जो टेस्ट मिलता है वो और भी जगह नहीं मिल पाता है। तो शिकागो पिज़्ज़ा का खुलना, जो हम लोगों ने दिल्ली और मुंबई में जो हमने देखा था, आज हम अपने राज्य में, अपने सिटी में इस तरीके के पिज़्ज़ा को खाने का भी काम करेंगे, और हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको भी शिकागो पिज़्ज़ा का ही पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी एक सुविधा हो गया कि ताकि हम लोग आसानी से अपने बच्चों को मन के मुताबिक पिज़्ज़ा खिला सकें। सर, पुराने साल में कोरोना संक्रमण काल को लेकर काफी उहापोह की स्थिति थी, अब थोड़ा खुलस हुआ है और नया साल का जश्न भी है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने प्रयास और कोशिश और ईश्वर से हम लोग पिछले साल भी प्रार्थना किया था, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना का कहर जो पिछले साल हम लोगों ने झेला है, पूरे देश के लोगों ने, जिस प्रकार से पूरे विश्व के लोगों ने जो झेला है, ईश्वर से हम लोग फिर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले जो नए साल है 2-4 दिनों में, वो सुख से और जिस प्रकार से हम लोगों ने कोरोना में जो चीज़ों को देखा है वो चीज़ अब देखने को ना मिले, और हम लोग चाहेंगे कि जिस खुशहाली से आज के दिन हम लोग बैठे हैं, ये पूरा साल हम लोग इसी प्रकार से अच्छे से अगला साल भी बिताएं। तो ये हैं अभिमन्यु कुमार, इनका कहना है कोरोना संक्रमण काल के दौरान जिस तरह हम लोगों ने दुख झेले हैं, नए साल में नए स्टाइल और नए अंदाज में हम कोरोना संक्रमण काल को भूलकर एक नए अंदाज में जीवन जिए। नए साल के जश्न को लेकर तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, मैं बात करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि पुराने साल की विदाई और नए साल के जश्न के साथ शिकागो पिज्ज़ा में लोग पहुँचे हुए हैं, अपने अपने रुचि के हिसाब से, अपने अपने स्वाद के अनुसार यहाँ लोग अपनी बातें करेंगे, क्योंकि नए साल का जश्न और पुराने साल की विदाई को लेकर सभी काफ़ी लोग उत्साहित हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि शिकागो पिज्जा में आए हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, थैंक यू। मैं शिकागो पिज्जा में आया, पटना के सरजमीन पर बालीला गुरुद्वारा के नज़दीक जो शिकागो पिज्जा का शॉप खुला है, काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा है, लुक वाइज भी देखने में यहाँ का जो पिज्ज़ा का जो टेस्ट किया है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ के ऑनर के जो पिताजी हमारे सामने खड़े हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, सभी लोग काफ़ी अच्छे हैं, साथ साथ पिज़्ज़ा जो है, शिकागो पिज़्ज़ा जो है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। सर, पुराने साल की विदाई है और नए आने वाले नए साल का जश्न का भी माहौल है, मैं इसमें बहुत अच्छा संदेश देना चाहता हूं। शिकागो पिज़्ज़ा में जो सेंटर पर है, इस सेंटर में पुराने नए साल जो आने वाले है उसमें इस पिज़्ज़ा में काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी आगे चलेगा। पुराने साल जा रहा है सर, कोरोना काल था, संक्रमण काल था, तो कहना ये चाहेंगे कि अब जो नए साल आ रहे हैं इसमें भी कोविड काल तो आ ही रहा है, कोरोना आ ही रहा है, लेकिन भगवान से हम लोग ये कहेंगे कि ये चीज़ नहीं आए और प्रिकॉशन ले करके हम लोग चले, और जो शिकागो पिज़्ज़ा का जो ऑनर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना ये चाहूँगा कि कोई भी कस्टमर आपके यहाँ आए वो फुल प्रिकॉशन के साथ आप अंदर इन करने को कहें, उसके साथ साथ मास्क ज़रूरी है, सैनिटाइज़र ज़रूरी है, और आप अंदर में ज़्यादा गैदरिंग ना रखें, सीट वाइज व्यवस्था अच्छा करें। मेरा नाम डॉक्टर परवेज़ है। देखिए, इनका कहना है कोरोना संक्रमण काल को ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 के ध्यान में रखते हुए आप सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगाएं और बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से जो सरकार का गाइडलाइन है उसका भी पालन करना है। तो देखिए, पुराने साल का विदाई और नए साल के जश्न का अंदाज, चलते हैं सर से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर?
कहना तो यही है कि जो भी है बहुत फ्रेश आइटम यहाँ पर बन रहा है, बहुत अच्छा मतलब कि लग रहा है यहाँ पर इस पटना शाहिब में जो फर्स्ट वार्ड जो है लग रहा है कि इस तरह का जो है ना बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। और कोरोना काल के समय भी ऑनर से ही मतलब ये जो सर डॉक्टर साहब बोल रहे बताएं कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है, थोड़ा सा सैनिटाइज वगैरह जो भी है, थोड़ा दूरियाँ बना बरकरार के रखना है, बाकी और सब इस ब्रांड नए साल में सर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे पटना साहिब के लोगों को? नए साल में यही कहना चाह रहे हैं कि जो है ना सब लोग हेल्दी रहे, सब लोग खुश रहे, सब लोग इंजॉय करना है, ठीक है, नए साल को बिल्कुल इंजॉय करना है लेकिन प्रिकॉशन लेते हुए, ठीक है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर राजीव हुआ, ठीक ना। राजीव जी हैं शिकागो पिज्जा में, इनका कहना है नए साल का जश्न मनाना है, बिल्कुल हेल्दी तरीके से मनाना है, कोरोना संक्रमण काल का जो गाइडलाइन है उसका भी पालन करना है और नए साल में नए स्टाइल में जश्न मनाना है। पिज्जा में आए ठीक है। पटना साहिब गुरुद्वारा के पास शिकागो पिज्जा के हमारे अभिभावक हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि इस कोरोना संक्रमण काल जाने के बाद नए साल में नए जश्न के साथ जो शिकागो पिज्जा यहां खोला गया है, क्या आम ग्राहकों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? आम ग्राहकों के लिए मास्क पहन के सैनिटाइज करके आना है। और क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले नए साल के लिए लोगों के लिए? सब कोरोना को ध्यान में रखते हुए सब अपना मास्क वगैरह लगा के आए, ध्यान से आए और यहाँ पिज्जा का सारा आइटम मतलब मौजूद है और सब हाइजीनिक है, जो भी काम होता है यहाँ हाइजीन तरीका से बनता है, जो भी चीज़ है प्रोडक्ट है सब हाइजीन तरीका से है। और ये डोमिनोज से ये कम नहीं है पिज्जा, उसके मुताबिक उसके कॉम्पिटिटर का ये डोमिनोज से लेवल का ये पिज्जा है, उससे कहीं नीचा नहीं है, उसी के लेवल का ये पिज्जा है। ये गुरुद्वारा कैंपस है, वाडीला गुरुद्वारा कैंपस है, तो नए साल में किस तरह से लोगों को आप सेलिब्रेट करेंगे, किस तरह से एंटरटेन? नए साल में हम लोग बहुत ऑफर निकालने वाले हैं, सबको डोमिनोज पिज्जा हट सबसे अच्छा ऑफर आपको यहाँ शिकागो पिज्जा में मिलने वाला है, सभी लोग को सब सारे ऑफर मिलेंगे, हाइजीन बेस्ट बेस्ट पिज्जा सब यहाँ मिलने वाला है सबको। क्या कहना चाहेंगे दो लाइन में, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बहुत ही बढ़िया लग रहा है इतने आगे। कहाँ से आए हैं आप? आए हैं झारखंड से, धनबाद से। धनबाद से, हाँ जी। कैसा महसूस नया साल में, क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि प्यार से रहें और जब नया साल है तो अपने गुरुद्वारे मंदिर जा के दर्शन करें, बस। क्या नाम हुआ? अपना नाम रोशन है। हाँ? रोशन। देखिए रोशन जी है झारखंड से आए हैं बाल लीला गुरुद्वारा के पास, मैं कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करता हूँ, बच्चे हैं कुछ महिलाएं भी हैं, क्योंकि नया साल का जश्न है और पुरानी साल की विदाई को लेकर तमाम लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे। मैं दो लाइन, चलिए क्या संदेश देना चाहेंगे दो लाइन में, नया साल आ रहा है, ये शिकागो पिज्जा खुला है इससे बहुत हम लोग खुश है, क्योंकि गुरुद्वारा के पास है, जो भी लोग घूमने आएंगे यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खा भी सकते हैं कुछ। कहाँ से आई हैं आप? मैं तो गुलजारबाग से। गुलजारबाग से आपका क्या कहना है? आप क्या कहना? मैं भी वही कहूँगी शिकागो पिज्जा इज द बेस्ट। कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा ये ओपनिंग हुआ है, इस साइड में तो बहुत कॉम्पिटिशन था और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इंजॉय कर पाएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे नए साल में पूरे बिहार वासियों को, पूरे भारत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश यही देना चाहेंगे कि अच्छे से रहें, मिलके रहें, अपने फैमिली के साथ रहें, एंजॉय करें शिकागो पिज्जा में। कोरोना संक्रमण काल में आप लोग भी घर में होंगे, अब आपको खुलकर घर से बाहर आके आप शिकागो पिज्जा में विद प्रोटेक्शन आए, अपने मास्क लगा के आए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना काल कुछ कुछ खत्म हो गया, बस प्रोटेक्शन रहना चाहिए और मास्क रहना चाहिए, अपना वैक्सीनेशन करवा लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? आयुषी सिंह। गुरुद्वारा बाल लीला के पास वो समाज में एक शांति शनि सद्भाव के साथ तमाम लोगों को हेल्दी तरीके से नया साल का जश्न मनाने की लोगों को अपील भी कर रहे हैं। देखते रहिए बोल बिहार।